नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मार्च 2023 शनिवार आपके राशि के महाराशिफल के बारे में कि आज का दिन इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में। दोस्तों, आज दिनांक 4 मार्च 2023 दिन शनिवार, जो कि इस दिन भगवान शनिदेव जी का पावन दिन है। तिथि की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह के 11:43 तक रहेगा। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। वहीं दोस्तों, नक्षत्र की अगर बात करें तो पुष्य नक्षत्र सुबह के 6:19 तक रहेगा। और अगर शुभ समय की बात करें तो दोपहर 12:15 से 1:01 तक रहेगा। वहीं अगर राहु काल यानी कि अर्थात दिन का अशुभ समय की अगर बात करें तो सुबह के 9:44 से 11:11 तक रहेगा। इस राहु काल के समयावधि में कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत ना करें, नहीं तो कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य कुंभ राशि पर ही है और चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा पूरे दिन रात। तो चंद्रमा कर्क राशि में रहने से आपके लिए क्या शुभ होंगे और क्या अशुभ होंगे, आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि वालों, चंद्रमा कर्क राशि में होने से आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है, इसलिए पूरी शिद्दत से अपने कार्य जुट जाएं और अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। बहुत सी परेशानियों का हल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद के सुलझाने से रिश्तों में भी दोबारा मधुरता आएगी। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, युवाओं को कैरियर से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना बन रही है। प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। ऑफिस में काम ज्यादा होने से एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय सितारों का साथ मिलेगा। आज जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग को अपने किसी प्रोजेक्ट में उचित सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, वित्तीय कार्यों में हिसाब किताब करते समय सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी प्रकार की गलत फहमी हो सकती है। आज कहीं निवेश ना करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी दस्तावेज या पेपर संबंधित कार्य में हस्तक्षेप करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, आपके लिए बेहतर होंगे। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय कारोबार में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, शेयर और स्टॉक मार्केट में निवेश अभी आपको ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑफिस का माहौल व्यवस्थित रहेगा, लेकिन फिर भी आपको सावधान और सतर्क रहना ही होगा। कुछ राजनीतिक अथवा प्रभावशाली लोगों से मुलाकातें होंगी। आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकातें होंगी। किसी समाज सेवी संस्था में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा सोच विचार करने से और उचित परिस्थितियां हाथ से निकल भी सकती है, इसलिए प्रैक्टिकल बने और समय अनुसार तुरंत निर्णय लें। किसी भी प्रकार का लेन देन या उधार लेने की योजना न बनाएं और साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ लेन देन ना करें, नहीं तो ठगी व धोखे का शिकार हो सकती हैं। बिजनेस में बाहरी गतिविधियों में दिन का ज्यादातर वक्त बीतेगा। मार्केटिंग संबंधी कामों को निपटाने के लिए उचित समय है। कुछ
कड़े फैसले फायदेमंद भी होंगे, नौकरी में भी उपस्थिति मजबूत रहेगी, उच्च अधिकारियों का भी सहयोग अभी बना रहेगा। वहीं आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय राजनीतिक और सामाजिक प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकातें हो सकती है। इन व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहने से आपके मान सम्मान तथा व्यक्तित्व में निखार आएगा और निकट भविष्य में यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगी। कोई पारिवारिक मसला हल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, वर्तमान समय पूरी तरह से अपने व्यापार पर फोकस करने का समय है। यह समय विस्तार संबंधी गतिविधियों पर विचार होगा और शुरुआत भी हो जाएगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अत्यधिक कारभार की वजह से कुछ तनाव रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय सभी कामों को छोड़कर केवल उस कामों पर ध्यान देना होगा जो काम आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस समय लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। वित्तीय संबंधी योजनाओं पर ध्यान दें। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक मेल मिलाप होगा और काफी समय बाद सबके मिलने के तनाव मुक्त और आनंदित महसूस करेंगे। लाभदायक ग्रह स्थितियों का भरपूर सदुपयोग करना उचित रहेगा। व्यर्थ की मौज मस्ती में समय और पैसा खराब ना करें, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी नई योजना पर कार्य शुरू ना करें, क्योंकि अभी ज्यादा सफलता मिलने की संभावना नहीं है। जी हाँ, चंद्रमा कर्क राशि में है, आपको इस समय बहुत ही सावधान और सतर्क रहने को कहेगा। वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें और इस समय आपको भविष्य की चिंता छोड़कर और बीती हुई बातों को छोड़कर केवल वर्तमान पर ध्यान देना होगा। कर्मचारियों के साथ आपका विश्वास और प्रेम रखना आपकी परेशानियों को कम करेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी खास परियोजन को लेकर मन में उत्साह रहेगा तथा कामयाबी भी मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका रुझान बढ़ेगा, मानसिक रूप से सुकून मिलेगा और किसी मित्र अथवा फोन के माध्यम से फायदेमंद समाचार मिलेगा। वही दोस्तों, अगर सावधानी को लेकर बात किया जाए तो यह समय बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा समय और पैसा व्यर्थ ना करें और ना ही ज़्यादा मेलजोल रखें, क्योंकि भावुकता और उदारता के साथ साथ व्यवहारिक होना भी बहुत ज़रूरी है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय व्यवसायिक स्थल पर सभी काम अपनी देखरेख में ही करवाएं। जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी ना करें, कर्मचारी द्वारा नुकसान होने की आशंका है। यह बात बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देने का समय है। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए उत्तम सा रिश्ता आ सकता है और प्रेम प्रसंगों में मधुरता बनी रहेगी। अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात किया जाए तो यह समय स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा। व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान द्वारा आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों, आपका शुभ रंग है जामुनी कलर और भाग्यशाली अंक है 7।